हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राम राम जी। ये है मेरी ब्राइड, आज इनकी शादी है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इनका मेकअप, बेस में कर दी हूँ और अभी मैं आई मेकअप कर रही हूँ। बहुत ही मेकअप होने के बाद देखिएगा लोग, बहुत ही खूबसूरत ब्राइड थी और एकदम मतलब एनी टाइम हंसते ही रह रही थी, बहुत अच्छी थी। वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। और मेकअप भी इनको मतलब वाटरप्रूफ चाहिए था, तो वैसा ही मेकअप भी हुआ था, फुल वाटरप्रूफ एचडी मेकअप हुआ था। और इन्होंने बोला था ना कि मेरे हेयर पे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, क्योंकि एकदम नॉर्मल चोटी कर दीजिए, क्योंकि पूरा हम लोग का फ्लावर से ढका रहेगा। ये मुस्लिम है तो ये बोले कि हम लोग में एक फ्लावर आता है, वो पूरा फ्लावर से बालों में, चोटी में भी रहेगा, फेस पे भी, मतलब ज़्यादा बालों पे आप वर्क नहीं करिए। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का मैंने करी थी। ये तो अंदर ले लो। हाँ अंदर ले लेते, घूम जाओ थोड़ा सा। पूरा आपने किया हुआ था, काजल भी दो और वो दो नीचे का। पानी में निकलेगा तो भी नहीं है। बड़ी नमक पप्पा की घड़ी इतना चाहिए कि घूंघट चाहिए? लेकिन पिकअप कर जाएगा तो फिर कहाँ ले पाओगे? पिकअप नहीं करती ना फिर। नहीं बाबा, पहले से हूँ ऐसे कलर की, काली काली दिख रही थी मैं, पता है 7 दिन से नींद आई थी, तो बोलते तब भी 7 दिन नींद आने को बोलते, क्योंकि 7 दिन के बाद ना अचानक से सबके फेस पे ग्लो आ जाते हैं ना। आगे लगाए नहीं इसके लिए, तब तक तो आधा घंटा तक, 1 घंटा पहले चले गए होते हैं। टूटा हुआ है गोद में जाना पड़ता है ना दुल्हन को, तो गोद में, हाँ गोदी पापा लेके जाएगी, नहीं तो मामा लेके जाएगी यहाँ से, और वहाँ से दूल्हा उठा के गोद में लेके जाएगा अपने घर तक के। अब मान लो जिसकी दुल्हन अगर मोटी होगी तो वो कैसे उठाएगा? तो दो चलेंगे, दो चलेंगे, दो दुल्हा मिलकर उठाएंगे। हमारे में ऐसा मतलब वो डोली, अच्छा डोली में फिर लेके जाएंगे। आज मैं 4 मेकअप की, एक तो ब्राइडल थी और 3 साइडेस थी, तो 2 लोगों का तो मैंने फ़ोटो वीडियो नहीं ले पाया, और एक ये आंटी है इनका मैंने थोड़ा सा वीडियो ले पाई हूँ। ये साइडेस है, इनके घर में किसी की शादी है। कैसा मेकअप हुआ है आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइएगा मेकअप कैसा हुआ है। हो गया मैं।